हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगेंड का शेफ। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी, चिकन पटियाला। आपकी बहुत दिन से फरमाइश थी कि आप शेफ प्लीज़ चिकन पटियाला बना के दिखाओ, तो मुझसे देर हो गई, देरी के लिए आई एम सॉरी। लेकिन आज फाइनली मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आप आसानी से अपने घर में बना सकें। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन पटियाला बनाने के लिए मैंने लिया है एक मुर्गा और इस मुर्गे का वजन है 800 ग्राम। अब इसमें मैं डालूंगा सबसे पहले दही, एक दो टेबल स्पून, एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधे से आधा टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून देगी मिर्च, आधा टीस्पून नमक। ये सारी चीज़ें डाल के आपने इसको ऐसे मिक्स कर देना है, देखिए अच्छी तरीके से। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और इसको आपने रख देना है, कम से कम आप आधा घंटा रखें। जब तक आपका आधा घंटा होगा तब तक आपने कुछ तैयारी कर लेनी है। इसके लिए तैयारी ये है, आपने काजू उबाल के पीस लेना है। ये देखिए मैंने लिया है 1/4 कप और इस तरीके से प्याज और कैप्सिकम काट के रख लेना है। ये तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम तड़का मारेंगे। तड़का मारने के लिए आपने लेना है एक पैन, इसके अंदर आपने डालना है 1/2 कप घी, या फिर आप तेल में भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं नहीं बोलूँगा कि आप सिर्फ घी में बनाएं, आपकी पसंद है, लेकिन घी सबसे सही तरीका है। जब थोड़ा सा घी गर्म हो जाएगा तब आपने इसमें डालना है 1 सिनेमन स्टिक, 4 हरी इलायची, 4 लौंग। ये 3 चीज़ें पहले आपने इसमें डालना है। जब मसाले ऐसे थोड़े से चटक जाएंगे, इनकी खुशबू आपकी नाक तक आ जाएगी आसानी से, तब आपने इसमें डालना है 1/2 टीस्पून जीरा और इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना, मतलब चटका लेना इसको भी। जब जीरा और बाकी के मसाले ऐसे चटक जाएंगे अच्छी तरीके से, तब आपने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून हरी मिर्च और एक बार ऐसे चलाना है। उसके बाद आपने इसमें डालना है प्याज, मैंने लिया है 1 कप प्याज और ये नंबर में है 5, मीडियम साइज के प्याज हैं। और आपने इसको अच्छे से लाल कर लेना है, ब्राउन, बस धीरे धीरे ऐसे चलाते रहें, चलाना बहुत ही ज़रूरी है, चलाना बंद नहीं करें आप। ये देखिए प्याज लाल होने वाली है, इस टाइम में आपने इसका ज़्यादा ध्यान रखना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है और गैस स्लो कर देना है, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। अब आपने क्या करना है आपको बता देता हूँ, गैस एकदम स्लो होना चाहिए आपकी। आपने इसमें डालना है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और बिना इसको चलाए आपने इसमें डाल देना है टमाटर। टमाटर लिए हैं मैंने 3, आप साइज देख लें, ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और आपने इसको अच्छे से पकाना है, थोड़ी देर आप इसको पकाएं। ये देखिए जब आप इस तरीके से थोड़ी देर टमाटर पका लेंगे तब आपने क्या करना है, गैस एकदम स्लो कर देना है और इसमें आपने डालना है धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी, पानी इसलिए ताकि मसाले जल ना जाएं। और थोड़ी देर आपने इसको पका लेना है ताकि टमाटर अच्छे से नरम हो जाएं, एकदम गल जाएं, थोड़ा टमाटर गलने का इंतज़ार करेंगे। ये देखिए आपने इस तरीके से मसाला पका लेना है। अब ये एक तरीके का चौक मसाला बनके तैयार है। जब ऐसे मसाला भुन जाएगा तब आपने क्या करना है आपको बता दे रहा हूँ, आपने इसको आधा निकाल लेना है, आधा निकाल लें। आधा निकाल के क्या करेंगे मैं आपको बताऊँगा, बस आपने वीडियो पूरा देखना है, आधा छोड़ के ना चले जाएँ। ये देखिए आधा निकालने के बाद जो हमने चिकन मेरीनेट करके रखा था वो आपने इसमें डाल देना है, सारा पोंछ के डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स करना है। 2 मिनट आप ऐसे ही भूनें। ये देखिए जब ऐसे चिकन आप भून लेंगे, अच्छे से भून जाएगा, तब आपने क्या करना है, आपने इसमें डालना है थोड़ा सा पानी और इसको मिक्स करना है। इस तरीके से आप अच्छे से मिक्स करें और आप इसको ढक के भी पका सकते हैं, खुला भी पका सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे आपको पसंद हो वैसे पकाएं। ये देखिए ये चिकन आराम से पक रहा है। अब मैं यहाँ मारूंगा दूसरा तड़का, मेरे पास एक ही जैसे 2 पैन है, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले घी। जो ये दूसरा तड़का है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा जरूरी है, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपने सबसे पहले घी डालना है इसमें,
आधा कप से थोड़ा सा कम डालें आप घी। जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तब आपने इसमें सबसे पहले डालना है मेथी के दाने, ये देखिए। उसके बाद आधे से आधा चम्मच जीरा, एक टेबल स्पून गार्लिक, एक टेबल स्पून जिंजर, और इनको अच्छे से लाल कर लेना है। जब इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा कलर आ जाएगा तब आपने इसमें डालना है एक टीस्पून हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और इसको भी आपने इसे चला देना। अब आपने क्या करना है, लाल होने से थोड़ा सा पहले, देखिए इस टाइम पे आपने इसमें डाल देना है डाइस प्याज जो हमने काट के रखी थी, और कैप्सिकम भी आप डाल दें। इस रेसिपी की ये खास चीज़ है, और इसको आपने मिक्स करना है, थोड़ा सा टॉस कर लें। आपने देखा पहले जो हमने तड़का मारा था उसमें हमने खड़े मसालों का फ्लेवर रखा था, और इसमें हमने जिंजर गार्लिक का फ्लेवर रखा है मेथी के साथ, तो बहुत मज़ा आने वाला है। आप बोलेंगे शेफ मज़ा आ गया, ये देखिए इसको आपने थोड़ा भूनना है। और मैंने गार्लिक में कम कलर क्यों लिया, क्योंकि ये जब हम प्याज और कैप्सिकम टॉस करेंगे ना तो उसमें कलर आ जाएगा साथ में, इस वजह से मैंने हल्का सा कम कलर लिया। कई बार क्या होता है आप ज़्यादा कलर लेते हैं ना तो वो गार्लिक जल जाता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने ध्यान रखनी पड़ती हैं खाना बनाने के टाइम। आपने इसको ऐसे भून लिया, ऐसे भूनने के बाद आपने क्या करना है, जो हमने मसाला निकाल के रखा था वो आपने इसमें डाल देना, और इसको करना है मिक्स। ये देखिए शानदार, थोड़ा सा ऐसे पहले भून लें अच्छी तरीके से। ऐसे भूनने के बाद आपने करना है गैस एकदम स्लो, और इसमें डाल देना है मसाले, आधा चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी आधे से आधा चम्मच, एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और आधा टीस्पून नमक। सारी चीज़ें डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए आपको देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा, आज कितना शानदार कलर हो गया। आपने ऐसे थोड़ा सा भूनना है इसको, भूनने के बाद आपने इसमें डाल देना है काजू पेस्ट जो हमने पीस के रखा था, ये देखिए अब आएगा आपको असली मज़ा। और उसमें थोड़ा पानी डाल के अच्छे से डाल देना, ये देखिए अब आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए क्या बन गया, कलर देखा आपने, ऐसा कलर आना चाहिए। ये है पटियाला चिकन की खासियत, खूबसूरती, जो भी आप बोल सकते हैं वो। अब आपने इसमें डालना है पानी और थोड़ा सा पका लेना। नाइस, अब चलते हैं हम चिकन की तरफ, जो हमारा चिकन पक रहा था। ये देखिए ये भी कितनी बेहतरीन तरीके से पक चुका है, भुनना है जिसको बोलते हैं ना, भुन चुका है एकदम अच्छे से। अब आपने गैस एकदम स्लो कर देना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, गैस एकदम स्लो होना चाहिए। अब ये देखिए ये भी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है ग्रेवी, और इसने अपना तेल भी छोड़ दिया है, जैसे कि ग्रेवी पकने के बाद तेल छोड़ देती है ना। अब हम क्या करेंगे, ये ग्रेवी चिकन में डाल देंगे या फिर आप चिकन इसमें डाल दें, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ग्रेवी डालूंगा चिकन। ये देखिए वेरी नाइस, अच्छे से पोंछ के डाल दें आप, और आपने इसको करना है मिक्स। वाह क्या बन गया मजेदार। अब मैं आपको बताता हूँ आपने इसमें क्या क्या डालना है। अब आपने इसमें डालना है दो टेबल स्पून धनिया के पत्ते, ये देखिए वाओ, एक टेबल स्पून बारीक कटी हुई जिंजर, और कसूरी मेथी आप कम से कम आधे से आधा टीस्पून डालें। अब आपने इसमें डालना है क्रीम, एक दो तीन टेबल स्पून, और एक टेबल स्पून जो हम होटल वालों के लिए बहुत ही जरूरी है, के बिना हम खाना नहीं बना पाते, वो है ये बटर। अब आपने इसको मिक्स करना है बस, और ये पिकअप के लिए तैयार हो जाएगा। अब कलर देखिए मिक्स करते ही कितना बेहतरीन कलर आ जाएगा। अब ये चीज आपने मुझे बतानी है कि आपको ये कितना बढ़िया लगा, कलर कैसा लगा, ये सारी चीज़ें मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। तो आप मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि शेफ आज तो मज़ा ही आ गया, मतलब हमेशा तो आता ही है, आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, कलर हो गया ना मस्त। अब आपने इसको एक बार टेस्ट कर लेना है अपने दिल की शांति के लिए। वाह बता नहीं सकता कितना अच्छा टेस्ट आ रहा है, मतलब जितना बताऊंगा उतना कम लगेगा। तो मैंने फिर
से बोला ना, आपसे सुनना चाहता हूँ। अब मैं ये बॉल में डाल के दिखाता हूँ। ये वेरी नाइस। अब बारी है इसमें गार्निश करने की। गार्निश में हमेशा की तरह बटर, थोड़े से धनिया के पत्ते, इसके बिना भी हम होटल वालों का चलता नहीं, और बारीक कटी हुई जिंजर, और आप इसमें मिर्ची भी फाड़ के डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब आपके सामने एक बेहतरीन लाजवाब शानदार रेसिपी बन के तैयार है। ये देखिए, चिकन पटियाला। अब आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा काम पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये शानदार रेसिपी और भी लोग देख पाएँ और हमसे जुड़ पाएँ।